वैसा ही प्रिंस का बेटा प्रिंस नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। बुझे कि नहीं बुझे? बुझे। वेरी गुड। एनीवे सर, मैं एक और लेकिन बात जानना चाह रही थी। आप बोल तो दिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अल्ताफ राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा ना? अच्छा तो क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है? तो ठीक है, मैं अलकमंदी का बात कर देते हैं। अलकमंदी नहीं, अकलमंदी। वही यार, डोंट बी अ टीचर ब्रो, कम ऑन। मैं सर, मैं जानना चाह रही थी कि आपका फिल्म में घुंघरू टूट गए में एक स्टेप किए हैं आप, कुछ ऐसा ऐसा होते हैं, फिर ऐसा ऐसा कुछ होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं तीन दिन से लगातार स्टेप ट्राई कर रहे हैं। अब वो हो भी रहे कि नहीं हो रहे मेरे को पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को पेट के नीचे ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। If you don't mind, make a, please, ma'am, आप मेरे को स्टेप सिखा देंगे, बहुत जरूरी है मेरा भविष्य के लिए। सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, आप सब अच्छे हैं इसलिए। सर मैम, मैं ट्राई किए लेकिन परफेक्शन नहीं आ रहे हैं। वो पता क्यों? क्यों? क्योंकि योर चोटी इज थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। अगर कोई बंदा एक कोई आ जाए, इसको जरा बैलेंस में रखे ना, तो ये स्टेप हो जाएगा आपका। मैं पकड़ता हूँ, आप कीजिए, देखिए क्या कमाल का आता है अभी, देखिए। ये मेरे को परफेक्शन चाहिए स्टेप में। एक दरख्वास्त कर सकते हैं मैं आपसे? क्या कर सकते हैं? दरख्वास्त। दरख्वास्त? Yeah, it's like a request, something like that. Okay. Sir, मेरे को थोड़ा सा ये स्टेप बैकस्टेज जाके सिखा देंगे, मैं इसमें एकदम प्रोफेशनल होने चाहते हैं। प्लीज सर। आप अच्छे हैं इसलिए हम आपको सिखाएंगे, चलिए। मैम प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back. तो जब तक ऋतिक रोशन साहब अच्छा यादव का फंसा हुआ डांस स्टेप बाहर निकालते हैं, हम यहाँ बुलाते हैं फिल्म वॉर से दूसरे जबरदस्त कलाकार को। प्लीज वेलकम यूथ सेंसेशन, वेरी टैलेंटेड, माई यंगर ब्रदर, सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। टाइगर माय ब्रो, आई लव यू। टाइगर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू टाइगर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये देखिए। ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच है और दोनों देशों के सपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि टाइगर जो हैं वो ऋतिक को बहुत फॉलो करते हैं, उनके फैन भी हैं, और अब इस फिल्म में आप साथ में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। टाइगर, आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने ऋतिक सर के साथ काम किया? जब मुझे पहले पता चला कि मैं ऋतिक सर के साथ काम करने वाला हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड और नर्वस भी हो गया, क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड हीरो है। मैं जो कुछ भी करता हूँ आज उन्हीं की वजह से करता हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि यार, इतने बड़े स्टार, इतने बड़े एक्टर के सामने मैं सीन्स करने वाला हूँ, एक्शन करने वाला हूँ, डांस करने वाला हूँ, तो क्या मैं मैचअप कर पाऊँगा या नहीं? तो खूब मेहनत की मैंने, काफ़ी मेहनत की। जी तो जी, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला मेरे हीरो के साथ काम करने को। क्या बात। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं ना कि यार ये बंदे ने फिल्म के लिए बड़ी मेहनत की, बंदा तैयारी करके आया। टाइगर, जब पहला दिन था इनका इंडस्ट्री में, तभी इतने तैयार होके आए थे कि लगता था इससे ज्यादा कोई तैयारी क्या कर लेगा। मैंने देखा इनको शूटिंग के बाद जब ये जाते हैं ना, तो गाड़ी का दरवाजा खोल के छोड़ ना बैठते हैं, उनको बोलते शीशा नीचे करो, यूं करके कूद जाते हैं। तो कभी कभी तो इतना तेज कूद जाते हैं कि दूसरी साइड से बाहर भी निकल जाते हैं। फिर भी टाइगर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई खास तैयारी थी? एक अलग किस्म का एक्शन दिखाने की कोशिश किया मैंने इसमें, तो काफी एक्शन का प्रेप वर्कशॉप्स हुए, बाकी बस। मैंने देखा जब आपकी एंट्री होती गाड़ी में, उस तरफ से वो चला रहे मशीन गन 2000 गोलियों वाली, जी महंगी वाली बंदूक रखी होती ना, हाँ, इन्हीं के हाथ में शूट करती है ना, हम जैसे एडिटिंग करके खुद ही गिर जाएंगे। टाइगर, आप पता नहीं सारी इंटरव्यूज देखते हो कि नहीं, लेकिन आपके डायरेक्टर हैं जो वॉर के, सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने कहा था कि अगर टाइगर ये फिल्म ना करते
तो मैं फिल्म बनाता ही नहीं. और अभी आप और अभी ऋतिक रोशन भी कह रहे थे कि ये फिल्म मैं करना ही टाइगर के साथ चाहता था, अगर शायद मैं भी ना करता. उन्होंने ऐसा कहा. अच्छा, तो जब आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है तो फिर आपका दिल नहीं किया मैं अपने पैसे बढ़ा दूं? यार बात क्या है कि साइन करने के बाद ये सब डायलॉग बाजी चालू हुआ सर. जी साइन करने से पहले तो मैं जरूर ले लेता. तो बंदा तैयार हो गया. आइए टाइगर. सुपर्ब यार. थैंक्स. टाइगर एक बात पूछनी आपसे कि ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चों की मम्मी आपको फोन करके बोलती है कि मेरे बच्चे से बात कर लो नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा? ये सच बात है. और स्वीट यार. जिनकी बच्चों में फैन फॉलोइंग हो गई ना. अच्छा टाइगर, मतलब वो बच्चों से बात करा के रख देते कि 2 मिनट बच्चे से बात करा के आधा घंटा फिर खुद भी बात करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि खासकर बच्चे लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो यू नो या टाइगर, आपको पता है जो आप स्टंट्स करते हैं, आपके बहुत सारे मीम्स आते हैं. आई डोंट नो अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. प्लीज हैव अ लुक. टाइगर प्लेइंग फुटबॉल. तो ये सच्ची में आप फुटबॉल खेल रहे थे? ये सच्ची में किया सर. एक्चुअली टाइगर चाहे ना तो मुझे लगता है किसी फुटबॉल टीम में डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है इनका. वाओ क्या सुपर्ब है. नेक्स्ट. ये मेरा एक फोटोशूट था जो काफी वायरल हुआ और इसके काफी मीम्स बने. तो आई थिंक अच्छा हमें सच में लगा. हमने कहा बाकी लोग खड़े रहते हैं ना वैसे, वो दी पकड़ के फोटो खिंचाते हैं. वही उनके हाथ जाते हैं, वो टाइप कर भी ले सकते हैं. टांग जा रही है इनकी. नेक्स्ट प्लीज. ये टाइगर क्लीनिंग हाउस. पर स्टांस देखिए कैसा है. ये मैंने एक सुपर हीरो फिल्म की थी फ्लाइंग जट, तो उसका एक सीन है. ओके नेक्स्ट. ये बागी का एक टाइगर बाइंग वेजिटेबल्स. आदमी मोल भाव करेगा ऐसे उड़ के सब्जी लातो थोड़ी मारेगा पहले. लोग भी क्या क्या बनाते हैं. और टाइगर हाई फाइव. पर यार ये तालियां बनती यार, क्या बात है, कितनी ऊंचा उड़ उड़ के मार रहे हैं आप. वो आदमी ऑलरेडी खड़ा है, ऊपर से हाथ भी ऊपर किया है. फिर भी देखो क्या बात है यार. सुपर्ब. थैंक यू टाइगर. आपको पता है हमारे शो पे हम लोग जो प्यार करने वाले हैं आपको, जो चाहते हैं, तो उनकी एक एक विश पूरी करते हैं हम. छोटी छोटी विश होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फैंस की विश उनके मुंह से ही सुन लें. तो प्लीज जो जो भी टाइगर से बात करना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. जी 1 2 3 4 वन बाय वन. या हाँ ये सब आइए, ये मंच के ऊपर आइए. हेलो हाय, कैसे हो यू? हेलो हाय, हाउ यू? तो सबसे पहले आप अपना अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं और उसके बाद आपकी जो भी विश है. मेरा नाम कशिश भाटी अरोरा है, मैं अमृतसर से हूँ. कहाँ से? अमृतसर में कहाँ से? गोल्डन टेम्पल के पास से. अच्छा वाँ. क्या बात है, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप. वहाँ के लोग होते बड़े खूबसूरत हैं. सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू. सीरियसली अमृतसर में कहाँ पढ़ती थी? सर मैं मैरिड हूँ. तो आप कुछ कह रही थी इनसे? पीछे जा, पीछे हट. जी सो सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड मेरी बस इतनी इच्छा है कि आप मुझसे और मैं आपसे 1 मिनट तक आंखें मिला के लाइक विदाउट ब्लिंकिंग देखे. okay. बिना पलके झपके. ओके इधर आओ टाइगर, कम सिट हियर. मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को मिलाने में ना. मेरा ये ना होता मेरा मैरिज भी होता. आइए मैं इधर बैठ रहा हूँ, अगर आपकी इनसे हटी तो इधर मैं खड़ा रहूंगा, आपकी वेस्ट नहीं जाएगा. नो नो सर, टाइगर सर सिर्फ. कपिल नॉट. अपने शहर के लोग नहीं सपोर्ट करते, बाहर का क्यों क्या करेगा. नोटी आप ध्यान रखना जरा. देखो कौन पहले पलके झपकता है. हाँ पुलिस आ गई. ए शी ब्लिंक ब्लिंक यू ब्लिंक यू ब्लिंक ब्लिंक किया आपने. कशिश शुक्रिया. आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ. अरे बहुत बहुत स्वागत है स्वाति आपका. सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. शुक्रिया. थैंक यू. और मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ एक रोमांटिक डांस करें. ओके. टाइगर कितना क्यूट है. ओके झट से मान है. वाह थैंक यू स्वाति.
You saw कि टाइगर ने कितनी आसानी से जैसे कि फेदर की तरह लाइट हो ऐसे उठाया. माय गॉड. एक बार दारा सिंह और अर्चना जी की फिल्म शूट हो रही थी. एक्चुअली मैंने दारा सिंह जी ने उठाया, उनका स्लिप डिस्क हो गया था. आपका क्या नाम है? मैं मुस्कान फ्रॉम थाने. ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे टाइगर सर? मेरी जो है, मैं तो टाइगर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू. ठीक है, और मेरी ख्वाहिश है कि जो सर पुशअप्स करते हैं. हाँ, अच्छा, हाँ. सर, तो मुझे जो है अपने बैक पे बिठा के वो पुशअप. ओह वाओ, आपने तो कहा था ख्वाहिशें बतानी है तो घुड़सवारी पे उतर आई. चलो टाइगर से पूछ है. माय गॉड, ही सो स्वीट यार. Tiger, you're amazing, man. Oh! Oh! Wow! Bad, bad, bad. Bad. Super. Thank you. Thank you. Thanks. सुनो सोनिया, आपका नाम तो मैं भूल गया. मुस्कान सर, नॉट सोनिया. मुस्कान, क्या आपको खुशी मिली फिर पुशअप कर गए? बहुत खुशी मिली. मेरी ये जो है ना, बहुत मतलब बहुत पहले से जो है, मैं सबसे सर की फॉलोइंग करती हूँ, फैन फॉलोइंग. तो मेरी ये जो है ना बहुत. तो आप इनकी फैन फॉलोइंग कब से कर रही हैं? जब से इनकी पहली पिक्चर आई है. वाओ, अच्छा. बेटा खुद भी जिम जाया करो ना. हाँ, तो थैंक यू, यू आर सो क्यूट. आइए. थैंक यू. आपका क्या नाम है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनल खिलवानी. सोनल, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ. बनारस से? अरे वाह, बड़े खूबसूरत शहर से आई आप. तो आप क्या कहना चाहेंगी टाइगर को? सबसे पहले तो सर, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ. और सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए चार ऐसी लाइनें बोलें जिससे मुझे लगे कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ. चार ऐसी लाइनें. Can I wear my glasses for this? I'm very yes, shy. Yes, please, please. Oh, sweet. Okay. Zara, zara, kareeb se. Wow. Aaja tujhe main jiyu. Wow. Khuli, khuli hai dhadkane. Dil se tere baandh lo. Wow. That's for you. That's all I remember. Superb, yeah, Tiger. अच्छा, बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा खराब गाता हूँ और वो सच्चे बोल रहे होते हैं. कितना अच्छा गाया टाइगर. सीरियसली बहुत अच्छा गाते हो आप. माइंड ब्लोइंग रियली. शावर में काफी अच्छा गाता हूँ मैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. थैंक यू. आइए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक्स. थैंक्स. थैंक यू. ओ, समय समाप्ति की घोषणा. टाइगर, आपसे एक रिक्वेस्ट है. जी. क्योंकि आप अभी आए हैं तो वार्म अप भी नहीं हम मुंह में, क्योंकि आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है. पर आते ही जो मजा आ गया, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो कल यही मजे को बरकरार रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. तो टाइगर, आप एक प्रॉमिस करिए, आप यहीं पे रहेंगे. पक्का, पक्का. मेरा ब्रदर अभी ना, अभी 11 बज गए, मैं हूँ फैमिली वाला आदमी, मैं निकलता हूँ. ओके. तो आप तो इधर, मैं आपको कंबल और वो तकिया मंगवा देता हूँ. बेडरूम में आप इधर सोना, इधर पे अर्चना सो जाएंगी बैठ बैठ के. इधर आप आइए. आप टाइगर आइए, ये प्लीज. कोई मच्छर वच्छर काटे तो अर्चना जी को बता देना. आप सो जाओ, ठीक है? अच्छा. तो दोस्तों, ऋतिक और टाइगर की धमाकेदार वॉर जो है कल भी इस मंच पे जारी रहेगी. तो आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट चपाकर.